distorted forces or dynamics. Or force could define here, force is a push or jolt in a particular direction. Force accelerates or tends to accelerate. It deforms or tends to deform. Force accelerate करती है, accelerate करने की कोशिश करती है, रोकती है, रोकने की कोशिश करती है. अच्छा, then we discuss force which appears में होती है, इसकी unit न्यूटन है, और it is a vector quantity. इस यूनिवर्स पे तीन तरह की फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको वेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वेट के अलावा जितनी भी फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, और न्यूक्लियर फोर्सेस. अच्छा, देन वी डिस्कस फोर्सेस या तो बैलेंस्ड होती हैं या अनबैलेंस्ड होती हैं. बैलेंस फोर्सेस कब होती है? अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, इसको बोलते हैं बेटा balance forces कब होगी? जब resultant force zero होगी, body accelerate नहीं करेगी, रुकी चीजें रुकी रहेगी, चलती चीजें uniform velocity से चलती रहेगी. और unbalanced कब होगी? जब resultant force zero नहीं होगी, जब body accelerate कर रही होगी, the body will be accelerating, its velocity will be changing, then forces will be unbalanced. पढ़ा आपने, फिर हमने पढ़े न्यूटन लॉस. पर न्यूटन लॉस फर्स्ट लॉ easy words में क्या है? The things at rest will remain at rest. The object in motion will remain in the state of motion with uniform velocity. कब तक? जब तक the unbalanced force acts on it. जब तक कोई force act नहीं करती. रुकी चीज रुकी रहेगी, चलती चीज चलती रहेगी, जब तक कोई force act नहीं करती. और Newton's second law, the force act करेगी तो क्या होगा? Accelerate करेगी ना? रुकी चीज चल पड़ेगी, चलती चीज फास्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी, स्लो हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा. अब चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेट करेगी, द फोर्स लगेगी तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और ये एक्सेलरेशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम, सो कंबाइन किया, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, F is equal to KMA. और K क्या होता है? One, we don't write K. F is equal to MA. इसकी प्रैक्टिस करनी याद हमने. उसके बाद पढ़ा आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ. क्या होता है? To every action, there is equal and opposite reaction. ठीक है? When two bodies interact each other, they apply equal and opposite forces on each other. Action and reaction की examples मैंने आपको बता दी थी. हाँ, एक और चीज बताई थी. Action and reaction different bodies पर होता है. एक्शन अगर ए बॉडी पर होते हैं तो रिएक्शन बी बॉडी पर होता है ना. ए बॉडी पर नहीं होता एक्शन, रिएक्शन. जब बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं वो एयर को नीचे पुश कर रहे हैं, वो एयर को फोर्स लगा रहे हैं, एयर बर्ड पे फोर्स लगा रहे हैं. जब मैं चल रहा हूं मैं जमीन को पीछे पुश कर रहा हूं, जमीन मुझे आगे पुश कर रही है. मैं स्विमिंग कर रहा हूं, मैं पानी को पीछे पुश कर रहा हूं. आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन वाटर, वाटर इज अप्लाइंग फोर्स ऑन मी फॉरवर्ड. एक बैकवर्ड फोर्स, एक फॉरवर्ड फोर्स. तो डिफरेंट बॉडीज पर होती है और उनकी नेचर सेम होती है. क्या मतलब? अगर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. अगर एक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा. सो बेटा ये पढ़ा था आपको, आज हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं. सो इस फॉर्मूला और मैंने आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेज भी बताई थी. इंपॉर्टेंट फोर्सेज कौन कौन सी है? वेट, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, नॉर्मल रिएक्शन, perpendicular push of the surface, friction is a force that acts along the surface that opposes slipping, sliding का force करती है, sliding motion का force करती है. अच्छा बेटा, so ये formula की practice कर रहे हैं हम लोग. हाँ जी, F is equal to ma, ऐसे लिखने आप. जी, F क्या है? फोर्स. पूरा नाम लिख, रिजल्टेंट फोर्स. अनबैलेंस के बहुत सारे नाम है, लिख देता हूं एक बार. इसका नाम है रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स.
unbalanced force. Net force ये F के इतने सारे नाम हैं, ये दो सबसे कॉमन है ऊपर वाले। F का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, और M क्या होता है? मास। A क्या होता है? एक्सेलरेशन। A इज एक्सेलरेशन। M तो पता है आपको, मास ऑफ द बॉडी, और A इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हाँ जी बेटा, एक बॉडी पे जब हम फोर्सेस लगाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर को फोर्स लगा रहा हूँ, एक फोर्स इधर को लग रही है आगे को, एक फोर्स पीछे को लग रही है, सपोज ये फ्रिक्शन है, जो भी है, फोर्स वन फोर्स टू इधर को मूव कर रही है। बेटा जो फोर्सेस मोशन की डायरेक्शन में होती है ना, उनको बोलते हैं फॉरवर्ड फोर्स। जो फोर्सेस कौन होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दे आर फॉरवर्ड फोर्स। और जो पीछे को एक्ट करती है ना, ये होती है बैकवर्ड फोर्स। ठीक है, अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। इसका नाम रख लिया, जो मोशन की डायरेक्शन में फोर्स है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड फोर्स। दिस इज व्हाट? फॉरवर्ड फोर्स। और ये क्या है? बैकवर्ड फोर्स। ये फॉरवर्ड फोर्स, ये बैकवर्ड फोर्स। अब मुझे बताओ, अगर आप इनका रिजल्टेंट निकाल लें, आप इनको प्लस करोगे या माइनस करोगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में विल यू ऐड देम और सब्ट्रैक्ट देम? इनको माइनस करेंगे इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए। अगर मैंने इनका रिजल्टेंट निकालना है इसे करूंगा तो मैं इनको ऐड ही, लेकिन एक प्लस होगा एक माइनस होगा। वेक्टर क्वांटिटी है ना, इस साइड के वेक्टर अगर पॉजिटिव है तो इस साइड के नेगेटिव होंगे। लेकिन तेरे आपको इतनी डिटेल नहीं पता, हमें पता ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं। अगर ये क्या, सपोज ये 10 न्यूटन फोर्स है और ये 2 न्यूटन फोर्स है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? 12 होगा कि 8 होगा? 8 होगा। 8 कैसे है? माइनस करके। तो जो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है उनका रिजल्टेंट माइनस करके निकालते हैं। तो अगर मैंने इनका रिजल्टेंट निकालना है इसकी जगह पे, इस F की जगह पे लिख सकता हूं फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? MA। मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा और कन्वीनियंट फॉर्म में ले आया, F इज इक्वल टू MA था तो मैंने इसको लिख दिया फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू MA। हम इसको किस तरह ज्यादा यूज करेंगे? Obviously, this is resultant force. ये resultant force ही है, F ही है. लेकिन कैसे है? Forward minus backward is equal to MA. Forward force minus backward force is equal to MA. Done? Okay. अच्छा, इससे एक दो चीजें पता चली मुझे। Resultant निकालने के दो तरीके हैं, resultant force निकालने के। या तो फॉरवर्ड में से बैकवर्ड को माइनस कर दो तो रिजल्टेंट आ जाएगा, या ये किसके इक्वल है, या मास को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो भी रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट निकालने के दो वे सीख लिए, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड तो भी रिजल्टेंट आ जाएगा, या एन इनटू ए तो भी रिजल्टेंट आ जाएगा। देयर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड या एन इनटू ए करते हैं सॉल्व। अच्छा भाई, इसकी प्रैक्टिस करते हैं फिर आपको आएगा। तो एक ब्लॉक है, कितना है? 10 केजी का। इधर फोर्स लग रही है 18 न्यूटन, फ्रिक्शन एक्ट कर रही है 20 न्यूटन। आपसे कहा जाता है फाइंड एक्सेलरेशन, कैसे सॉल्व? फोर्सेस लग रही है इसके ऊपर और ये तो एक्सेलरेट कर रहा है, इट इज एक्सेलरेटिंग। फाइंड द एक्सेलरेशन,
जी बेटा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए. व्हाट इज फॉरवर्ड फोर्स? 80 न्यूटन्स. बट व्हाट इज बैकवर्ड फोर्स? 20 न्यूटन. व्हाट इज मास? 10 इनटू ए. तो सॉल्व कर लिया बेटा इसको. 80 माइनस 20 कितना हो गया? 60 इज इक्वल टू 10 ए. कितने ना के डिवाइड होगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा. ए किसके इक्वल हो गया बेटा? 6 meters per second square ये आंसर है आपका. 6 meters per second square. हाँ जी बेटा प्लीज बोले जी. नेक्स्ट एक और करें ऐसे ही एक ब्लॉक है 5 kg का, एक्सेलरेट कर रहा है इस साइड पे, इसे फोर कर रही है 20 newtons और ये एक्सेलरेट कर रहा है 3 meters per second square. एक्सेलरेट कर रहा है राइट साइड. आपसे कहा था फाइंड द फ्रिक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. अब यही कहेंगे सर जब राइट फोर्स 20 न्यूटन है तो फ्रिक्शन भी 20 होगी, एक्सेलरेट कर रहा है. तो तब होते जब बॉडी रुकी होती है, जितनी अप्लाइड फोर्स होती है उतनी फ्रिक्शन होती है. हाँ जी, दो चीजें निकाली, एक पार्ट फाइव रिजल्टेंट फोर्स निकाली और बी पार्ट फ्रिक्शन निकाली. व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, व्हाट इज द फ्रिक्शन? पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालो. एक बॉडी पे दो फोर्स करें, 20 न्यूटन है तो फ्रिक्शन कहां होगी? राइट में स्लिप हो रहा है ना, सबको पता है फ्रिक्शन इधर होगी. ये फाइंड आउट करनी, बॉडी राइट में स्लिप हो रही है तो फ्रिक्शन लेफ्ट पे होगी. वी नीड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. हाँ जी बेटा, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? एक तो होता है ना फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड. फॉरवर्ड तो पता है, बैकवर्ड पता ही नहीं है. हमें पता है रिजल्टेंट फोर्स होती है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, ये होती है ना रिजल्टेंट फोर्स. लेकिन ये m into a की इक्वल भी होती है. तो सिंपल, m भी पता है और a भी पता है. तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू m a. या तो आप फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करेंगे या m into a करेंगे. तो m into a, m भी पता है और a भी पता है. व्हाट इज m? 5. व्हाट इज a? 3. क्या आ जाएगा? 5 into 3 कितना आ गया? 15 न्यूटन. ये आ गई रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके हैं, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर दें तो भी रिजल्टेंट आ जाएगा, मास का एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्टेंट आ जाएगा. यहां पे बैकवर्ड फोर्स अवेलेबल ही नहीं थी. m into a थी, m into a करती है. तो बेटा रिजल्टेंट आ गया, पहला पार्ट डन. दूसरा पार्ट फ्रिक्शन निकालनी, कौन सी फोर्स है? बैकवर्ड फोर्स. तो फॉर्मूला आपके सामने, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू m. व्हाट इज फॉरवर्ड? 20. व्हाट इज बैकवर्ड? x कह देता हूं उसको, x. बेटा इसका नाम मैंने x रख लिया. इज इक्वल टू मास. व्हाट इज मास? 5 into 3. बेटा आपको समझ में आया? बोल रहे हैं ओके.
नेक्स्ट रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो होती है वो अलग होती है, वर्टिकल फोर्सेस अलग होती है। अगर बॉडी हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रही है पता है वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड है, वर्टिकली एक्सेलरेट नहीं कर रही ना, कब बॉडी एक्सेलरेट नहीं करती जब फोर्सेस बैलेंस्ड होती है। If the body is accelerating horizontally, it means vertical forces are balanced. Similarly, if the body is accelerating vertically only, vertical forces are unbalanced. Right? What about horizontal? They are balanced. Horizontal or vertical forces are not related to each other. Now, we have to talk about weight ki baat ki thi block. You have to ask me, you have written 5 kg. I have written 20 newton lag rahi hai, aur yahan pe friction lag rahi hai. Maine weight ki baat nahi ki iski. इसका वेट कितना है 50 न्यूटन है, मुझे पता है इसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस बैलेंस्ड है, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन वो भी 50 है, वो तो बैलेंस्ड है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अनबैलेंस्ड है, वर्टिकल बैलेंस्ड है। हाउ डिड इट कम टू नो इट इज एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली, इट मींस हॉरिजॉन्टल फोर्स का अनबैलेंस्ड इक्वल नहीं है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, ज्यादा की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। व्हाट अबाउट वर्टिकल फोर्सेस, दे आर बैलेंस्ड क्योंकि ये वर्टिकली एक्सेलरेट ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ना ऊपर उड़ रहा है ना जमीन में पेनिट्रेट हो रहा है, इसका मतलब है वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड है। सिमिलरली अगर लिफ्ट ऊपर नीचे एक्सेलरेट होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकल फोर्सेस अनबैलेंस्ड है लेकिन हॉरिजॉन्टल क्या बैलेंस्ड। जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही होती उस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड होती है। मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, देखो थोड़ा सा इसका मुश्किल करते हैं, जितने कर सकते हैं नहीं हो। एक बॉडी है बेटा 5 किलोग्राम अगेन फोर्सेस लग रही है 5 के जी लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है 20 न्यूटन 10 न्यूटन एट न्यूटन 50 न्यूटन एक्स सेवन न्यूटन वाई ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है या वर्टिकल फोर्सेस है, प्लीज ड्रॉ करें। Five kg mass is acted upon by many forces. It accelerates right horizontally, right way accelerate कर रहा है. At 2 meter per second square, आपने resultant force बतानी है, x बतानी है और y बतानी है. Good. कर लिए? Good.
जी रिजल्टेंट फोर्स फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड या एम इन टू ए तो कौन सा लगेगा फॉरवर्ड एम इन टू ए एम बी पता है और ए बी पता है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है बेटा रिजल्टेंट फोर्स होती है एम इन टू ए या फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड एम बी गिवन है ए बी गिवन है व्हाट इज एम फाइव व्हाट इज ए टू तो आंसर कितना आ गया बेटा 10 न्यूटन पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया एम इन टू ए 10 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स होता है एम इन टू ए रिजल्टेंट फोर्स एम इन टू ए बार बार याद कर लो ये फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड या एम इन टू ए जी जनाब बॉडी हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रही है वर्टिकली एक्सेलरेट इसका मतलब क्या हुआ वर्टिकल फोर्स का बैलेंस वर्टिकल फोर्स का जितनी टोटल अपवर्ड फोर्स है उतनी टोटल भाई देखो अगर ये ऊपर नीचे एक्सेलरेट नहीं कर रही तो ऊपर वाली फोर्सेस की वैल्यू मैग्नीट्यूड और नीचे वाली फोर्सेस की मैग्नीट्यूड दैट इक्वल इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग वर्टिकली सो वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंस्ड तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डाउनवर्ड फोर्स सही है ना अच्छा तो अपवर्ड कौन सा एरो नजर आ रहा है एक्स और डाउनवर्ड कौन कौन से नजर आ रहे दो नजर आ रहे हैं 50+8 बेटा ये फोर्सेस बैलेंस्ड है तो ये ऊपर नीचे नहीं जा रही ना ऊपर नीचे एक्सेलरेट नहीं जा रही जा सकती है अगर फोर्सेस बैलेंस हो तो भी जा सकती है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही होती यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो भी एक्स इसके इक्वल होता अब क्योंकि सर ऊपर जा रही है तो कैसे इक्वल है यार वो इनर्शिया में से ऊपर जा रही है फोर्सेस बैलेंस्ड है रुकी चीज रुकी रहती है चलती चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है अच्छा बात है आंसर कितना आ गया x is equal to what 58 x is 58 मसला हल अच्छा अब जरा और से सुनिएगा थोड़ा सा बताना चाहता हूं मैं बॉडी क्या कर रही है एक्सेलरेटिंग टू द इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड वाली फोर्स और लेफ्ट साइड वाली फोर्स इक्वल अनबैलेंस है दे आर नॉट बैलेंस्ड देयर इज अनबैलेंस कौन सी फोर्स आ रहा है मैं लिख सकता हूं यहां पे राइट इज इक्वल टू लेफ्ट नहीं मैं नहीं लिख सकता क्यों मैं क्यों नहीं लिख सकता यार ये तो एक्सेलरेट कर रही है फोर्सेस इक्वल होती तो एक्सेलरेट कैसे करती है तो अब किधर पे एक्सेलरेट करी है राइट तो अब क्या ये रिलेशन ट्रू नहीं है क्या ट्रू है ये राइट साइड वाली फोर्स बड़ी है लेफ्ट वाली से इनमें अनबैलेंस है ओके और कितना अनबैलेंस है मैं पता है कितना अनबैलेंस है व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन का अनबैलेंस है कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर रहे हैं इक्वल तो नहीं है ना क्योंकि एक्सेलरेट कर रहे हैं कौन सी फोर्स ज्यादा है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है राइट साइड पे एक्सेलरेट कर रही है राइट वाली फोर्स ज्यादा है लेफ्ट वाली फोर्स कम है कितनी ज्यादा है इनमें कितना डिफरेंस है कितना अनबैलेंस है 10 न्यूटन का इसका मतलब ये हुआ ये वाली फोर्स 30 है 10 न्यूटन ज्यादा है इससे तो ये 20 होगी ना टोटल भाई ये 30 है ना और ये 10 न्यूटन ज्यादा है इससे तो ये 30 है तो ये टोटल 20 होगी तो ये 7 है तो ये 13 होगी कर सकते हैं इसे लेकिन क्यों करें इतने मुश्किल तरीके से इतने दिमाग की खिचड़ी क्यों पकाए हम सिंपल रट्टा लगाया हमने फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम हम तो इजी अप्रोच लगाएंगे ना ऐसे भी कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश की आपको राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल नहीं है ये राइट पे एक्सेलरेट कर रही है द फोर्सेस अनइक्वल होती है तो एक्सेलरेशन होती है और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है वो फोर्स बड़ी होती है सो अभी क्या लिखूंगा फॉरवर्ड फोर्स रट्टे वाले काम माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अब बताओ कौन सी फॉरवर्ड फोर्सेस है व्हाट आर द फॉरवर्ड फोर्सेस 20+10 20+10 ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं माइनस बेटा बैकवर्ड कौन सी है जबरदस्त y+7 बैकवर्ड ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं y+7 इज इक्वल टू m इनटू a व्हाट इज दैट 5 इनटू a 5 इनटू a की वैल्यू थी मेरे पास में थी जबरदस्त अब डायरेक्ट लिख सकते हो राइट अब आगे तो मेरे बेटा सॉल्व करना आता है क्या करेंगे कितना हो जाएगा ब्रैकेट भी खोल दिए 30 माइनस वाई माइनस माइनस कौन सा मल्टीप्लाई होगा माइनस सेवन
इज इक्वल टू 10। अब y को उधर ले लें और 10 को इधर ले लें, y पॉजिटिव हो जाएगा और 10 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और 13 में से 7 माइनस करते कितना रह गया 23, और 10 इधर आके क्या हो गया माइनस इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30 न्यूटन्स। इज इट क्लियर? क्या किया आपने? इतनी सारी फोर्सेस को आराम से सॉल्व कर लिया आपने। आपने कहा जी बहुत सारी फोर्सेस हैं, राइट पे एक्सेलरेट कर रही है तो ऊपर नीचे की फोर्सेस बैलेंस है, सिमिलरली अगर ऊपर भी एक्सेलरेट कर रही होती। अब चेंज करते हैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन देखिए दोबारा। पहले मैं पहली सिचुएशन की थी, इफेक्टेड अपॉन बाय मेनी फोर्सेस एंड इट कैन इट ए पार्ट ऑफ इट एक्सेलरेट टू द राइट और बी बताए। अब बी पार्ट कर देते हैं, बी पार्ट में क्या कर रहा है, ये राइट पे एक्सेलरेट नहीं कर रहा बेटा, ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, बी पार्ट में मैं बी पार्ट को सिर्फ चेंज करके भी लिख रहा हूं, पूरा लिखिएगा, एक्टेड अपॉन मेनी फोर्सेस एंड इट एक्सेलरेट अपवर्ड्स अपवर्ड एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड वही सेम ब्लॉक ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है, करके बताएं जल्दी से, सब बच्चे सही करेंगे प्लीज। अभी कौन से ऐसे बेंच मार्क के स्टूडेंट्स हमारे, आप हाथ में करो, 1, 2, 3। फास्ट बेटा, मंडे से आपकी क्लास टाइमिंग फिजिक्स की ज्यादा होगी, सुन लें हम लोग अभी 8:15 तक जाएंगे तो 8:30 तक जाएंगे, ठीक है? अभी नेक्स्ट वीक में मैं आपको उनको बता भी दूंगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा सर, मंडे से हम असाइनमेंट सॉल्विंग शुरू करेंगे प्रॉपर, और आपकी टाइमिंग होगी सर आप कराएंगे ना सर 8:15 होगी क्लास आपकी, और उसके बाद 8:30 तक जाएगी हमारी क्लास। बेटा फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा करनी है, फिर ही देख रहे पुराने बैच वाले भी चल रहे हैं, कितने पुराने बैच वाले हाथ में सर काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गुड, कितने सही। हाँ जी, सो कर लिए किसी ने, फोर्सेस का रिजल्टेंट m into a से आ गया 20 न्यूटन अपवर्ड्स।
अब बॉडी एक्सेलरेट करिए ऊपर को, इसका मतलब ये हुआ ऊपर और नीचे की फोर्सेस बैलेंस नहीं है, ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर की डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड ज्यादा है नीचे के कंपैरिजन में, ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, इसका मतलब क्या हुआ ये फोर्स बड़ी है कि छोटी है, ये बन जाएगी फॉरवर्ड और ये बन जाएगी बैकवर्ड। मैं सब जुबानी कर सकते हैं पता है, अगर आप कॉन्सेप्टली कहना चाहेंगे ऊपर की फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन, हाउ डिड इट कम टू नो, इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन होता ही था भाई द फोर्सेस अनबैलेंस। अच्छा कितना इनमें डिफरेंस कितना है अप और डाउन में, ये डिफरेंस है 20 न्यूटन का अनबैलेंस है, आपने अनबैलेंस फोर्स निकाली है, इनमें 20 न्यूटन का अनबैलेंस है, ऊपर की डायरेक्शन की फोर्स नीचे से 20 न्यूटन ज्यादा है, ऊपर की डायरेक्शन वाली फोर्स लीड पे है, कितनी लीड पे है 20 न्यूटन की लीड है। हाँ भाई नीचे कितनी है टोटल, ऊपर कितनी होनी चाहिए 78, नीचे टोटल 58 है यार, ऊपर इससे 20 न्यूटन ज्यादा है तो 78 होगा। तो हम हमारे पास इतना दिमाग नहीं है इतना टाइम खर्च करें हम फॉर्मूला लगाएंगे, वैसे मैंने आपको कोशिश की समझाने की कॉन्सेप्चुअली। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। व्हाट इज फॉरवर्ड फोर्स, एक्स ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है ये फॉरवर्ड है, एक्स इज फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड कौन कौन सी है बेटा 50 + 8 58 डायरेक्टली लिख सकते हैं, चलिए मैं इसका अगला कर दिया हूं, इज इक्वल टू एम ए, एम कितना बेटा 5 × 4, ये माइनस 58 उठा के प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये 20 है और ये 58 उठा के प्लस हो जाएगा, 20 + 58 इट गिव्स 78 न्यूटन्स, x इज इक्वल टू 78 न्यूटन्स, गेट इट। व्हाट अबाउट y, y कैसे आएगा, y इक्वल बॉडी राइट लेफ्ट पे एक्सेलरेट नहीं कर रही ना, तो राइट लेफ्ट वाली फोर्सेस क्या है बैलेंस, बैलेंस्ड है, जितनी टोटल राइट साइड फोर्स है उतनी टोटल लेफ्ट साइड फोर्स है, टोटल राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, राइट साइड फोर्स कितनी है 20 + 10, लेफ्ट साइड कितनी है y + 7, तो ये कितना 30 हो जाए और इससे वन आगे माइनस हो जाए तो क्या आंसर आ गया 23, y is 23, शाबाश। हां जी एनी कंफ्यूजन, ओके एक और करते हैं क्वेश्चन, आप इस डिफरेंट तरह इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग यार, जी एक रोप है, रोप से एक मैस हैंग किया हुआ है 10 kg का बेटा, अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, ये रोप एक मैस है 10 kg का और एक रोप है, कैन यू टेल मी व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द 10 kg मैस, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है, जरा कुछ इस बोले बगैर इसके ऊपर एरो ड्रॉ करके बताओ, मैं चेक करता हूं सब लोग प्लीज ड्रॉ करें, इस ब्लॉक पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही है उनके नाम लिख दें, जब किसी की वैल्यू पता तो वैल्यू लिख दो, इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस तो कंफर्म एक्ट कर रही है, ये असाइनमेंट आपका होमवर्क है और हम इसको सॉल्व करवाएंगे, लेकिन आपने घर से की होगी और हम आपको सॉल्व कराएंगे, ये नहीं कि जब हम कर रहे हैं उससे बच्चे ऐसे कर रहे होंगे ये भी कर रहे होंगे, घुमाना भी नहीं है रोपिंग क्या है, यस इतना नहीं
हाँ जी बेटा लिख लिया यार, सबको बता है इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, मानते हैं आप है ना वेट, अर्थ की पुल तो होगी ना, अर्थ पर यहीं पर रखा है तो वेट एक्ट कर रहा है, और वेट अगर आप निकालना चाहें डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एम जी 10 इंटू 10 100 न्यूटन, एक तो बेटा वेट एक्ट कर रहा है, और भी फोर्स है बिल्कुल रोप के अंदर खिंचाव है, क्या बोलते हैं उसको टेंशन बोलते हैं, हमने पढ़ा था ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है रस्सी यहां भी बांधी हुई है यहां भी बांधी है ब्लॉक के साथ, तो ये होगी ना टेंशन, ये डायरेक्शन होगी ना टेंशन की, टी टेंशन बेटा ब्लॉक के लिहाज से बताना है, इसके लिहाज से नहीं बताना, ब्लॉक के लिहाज से, ये ब्लॉक में दो फोर्स हैं, पता है आपको ब्लॉक में दो फोर्स हैं, रस्सी की पुल और अर्थ की पुल, रस्सी की पुल अपवर्ड्स अर्थ की पुल डाउनवर्ड, अर्थ की पुल को वेट कहते हैं, रस्सी की पुल को टेंशन कहते हैं, इज इट क्लियर टू यू, आई टोल्ड यू टेंशन इज अ फोर्स दैट टेक्स अलोंग द रोड, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, तो ये ब्लॉक के साथ फिक्स्ड पॉइंट ये है ना, तो इससे अवे होगी, अब एग्जामिनर पूछता है आपसे डिफरेंट सिचुएशंस में क्या कहते हैं ये पता क्या करेगा, तीन चार सिचुएशन बताऊंगा मैं, पूछूंगा बताएं इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी और टेंशन क्या होगी, जब ये रुका है, जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है, जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा है और नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है, पांच सिचुएशंस ठीक है, आप लिखिए फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड टेंशन इन द रोप, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स on the block and tension in the rope and tension in the rope when ab niche situation likhe number 1 block is at rest protis likhenge block is at rest number 2 moves upward with uniform velocity of 3 meter per second, moves upwards with uniform velocity of 3 meter per second, number 3 accelerates upwards at 4 meter per second square, accelerates upwards at 4 meter per second square, number 4 moves downward with uniform velocity of 5 meter per second, moves downwards with uniform velocity of same बोली थी मैंने 5 मीटर पर सेकंड, और आखिरी पार्ट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड्स, आपके हर केस में रिजल्टेंट फोर्स बतानी है, एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड्स एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड्स at 6 meter per second square. जी पहली सिचुएशन आपने हर केस में क्या बताना है बेटा, रिजल्टेंट फोर्स बतानी है और टेंशन इन द रोप बतानी है, जब बॉडी रेस्ट पर है रुकी हुई है लिखिए आंसर आपको आता है
जी प्रेस करें सो एक्सेलरेट कर रहे कि नहीं कर रहा बेटा रेस्ट पर ही है तो एक्सेलरेट कर रहे कि नहीं कर रहा एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ये रुका ही हुआ है तो उसकी वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन कितना हुआ सोच के बताओ मुझे इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर रिजल्टेंट फोर्स होती है एम इंटू ए तो बेटा जब ए जीरो है जब ए जीरो है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी जीरो होगी ना ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा रिजल्टेंट फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन तो एक्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो है मतलब क्या हुआ फोर्सेस आर बैलेंस्ड टेंशन इज बैलेंसिंग द वेट टेंशन इज इक्वल टू वेट तो यहां पे टेंशन किसके इक्वल है यहां पे टेंशन किसके इक्वल है वेट को बैलेंस कर रही है अनबैलेंस नहीं है तो ए केस में टेंशन किसके इक्वल है इक्वल टू वेट इक्वल टू 100 न्यूटन एक्सेलरेशन नहीं हो रही इट इज एट रिमेन्स एट रेस्ट बी पार्ट देखिए थोड़ा पढ़िए बॉस क्या है इट मूव्स सब लोग पढ़ लिया मेरा सेकंड पार्ट It moves downward with it moves upward with uniform velocity underline करो थोड़ा underline करो थोड़ा words को uniform velocity underline करें velocity uniform acceleration zero जबरदस्त uniform velocity में velocity change नहीं हो रही acceleration zero तो दोबारा वही answer क्या answer resultant force zero tension weight के equal है यार ऊपर क्यों जा रहा है जब टेंशन वेट की इक्वल है तो रुका नहीं होना चाहिए तो आप बोलेंगे सर इनर्शिया की वजह से टेंशन उस वक्त इक्वल हुई है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है ये इनर्शिया की वजह से रुकी चीज रुकी रहती है चलती चीज चलती रहती है जब तक फोर्सेस बैलेंस्ड हो टेंशन वेट को बैलेंस कर रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती जा रही है टेंशन उस वक्त वेट की इक्वल हुई होगी ना जब इसकी वेलोसिटी अचीव कर रही थी 3 मीटर पर सेकंड 0 से 3 तक आने में टेंशन ज्यादा थी वेट कम था लेकिन जब 3 पे पहुंचा तो टेंशन की वैल्यू वेट की इक्वल हो गई अभी सारी इंपल्सिस स्पीड से चलता रहेगा अब्दुल्ला टेंशन इज इक्वल टू वेट टेंशन वेट को बैलेंस कर रही है हाउ डिड आई कम टू नो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है एक्सेलरेशन जीरो है यार यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट क्या है जल्दी बताओ एक्सेलरेट्स अपवर्ड एट 4 मीटर पर सेकंड के अब रिजल्टेंट फोर्स निकाल दी रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है m into a 10 into 4 40 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स है अब ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है इसका मतलब है टेंशन इज ग्रेटर देन भी ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है तो टेंशन वेट से 40 न्यूटन ज्यादा है मैन माइनस 40 का है वो 140 होगा वेट 40 है 140 होगा नहीं तो हमें नहीं पता हम सॉल्व करते हैं इसको क्या होता है जी फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए हाँ जी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए व्हाट इज फॉरवर्ड फोर्स टेंशन इज फॉरवर्ड फोर्स व्हाट इज बैकवर्ड फोर्स वेट इज बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है तो ऊपर वाली फॉरवर्ड है टेंशन कितनी है निकालनी है वेट कितना है 100 m into a कितना है 40 तो आपको पता है कितना आ जाएगा 140 न्यूटन बहुत मुश्किल तो नहीं है अच्छा भाई सी पार्ट जल्दी से पढ़े क्या है सेपरेट अपवर्ड्स एट 4 मीटर नहीं moves downward with uniform velocity को क्या करेंगे underline करें important point it moves downward with uniform velocity again uniform velocity तो फिर क्या होगा uniform velocity velocity change acceleration कितना है resultant force कितनी है forces क्या है balance tension weight के equal वही answer जो पहले दो का था resultant force zero tension is equal to 100
जिनको समझ में नहीं आया बता दूंगा, एक मिनट खत्म करने पर। लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स एट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्सेस बैलेंस नहीं है, अब टेंशन वेट से कम है, नीचे पे एक्सेलरेट कर रहे हैं। ओके, अब एक्सेलरेट कर रहे हैं एट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी बेटा, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं? m into a, 10 into 6 क्या आ जाएगा? 60 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स, m into a रिजल्टेंट फोर्स। नीचे की डायरेक्शन वाली फोर्स 60 न्यूटन ज्यादा है ऊपर की डायरेक्शन वाली फोर्स, तो नीचे तो 100 ही है, नीचे तो बेटा 100 ही है, ऊपर 40 है। यहां पे पता क्या है, यहां पे टेंशन इज लेस देन वेट, वेट तो कांस्टेंट है ना, या जो टेंशन वेट की इक्वल होगी ये कम होगी, तो टेंशन कम है यहां। अच्छा चलिए हम कैसे कर लेते हैं, व्हाट इज फॉरवर्ड फोर्स? अब नीचे का एक्सेलरेट कर रहे हैं, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, व्हाट इज फॉरवर्ड फोर्स? वेट फॉरवर्ड है, बैकवर्ड कौन सी है? टेंशन। बेटा नीचे का एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा है, वेट फॉरवर्ड है। 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इनटू 6, ये टी इधर आ जाएगा, 60 उधर चला जाएगा, 100 माइनस 60 इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू 40 न्यूटन। जिन बच्चों को समझ में नहीं आई कल हम इस तरह का और क्वेश्चन करेंगे, तो परेशान नहीं हो, घर जाके देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, वो स्टूडेंट बैठे रहेंगे जो पुराने बैच के हैं, दो मिनट के लिए मैंने बात करनी, बाकी कुछ जाए जिन्होंने अभी शुरू किया है कुछ जाए।